कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS कहे, ये क्या है, आज के टाइम पे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, ये काम कैसे करता है, इसमें फ्यूचर में स्कोप है या नहीं, आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजदीप और मैं आ गया हूँ एक और एक्साइटिंग टॉपिक लेकर वेब डेवलपमेंट का, जो आपको हेल्प करेगा टू बिकम ए वेब डेवलपर। देखिए, अगर आपको CMS समझना है तो आप CMS का फुल फॉर्म देखिए और आपका आधा काम हो जाएगा। जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि CMS का फुल फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके हम समझते हैं। कंटेंट तो हम समझते ही है, कोई भी चीज जिसको हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए वीडियो हो गया, रिटर्न फॉर्म में कुछ आर्टिकल्स हो गए या फिर कोई पॉडकास्ट हो गया, वो सब कुछ कंटेंट होता है। अब दुनिया में देखें तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना जो कंटेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं। अब अगर आपको एक ईमेल करना होता है तो आप एक ईमेल क्लाइंट का यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जीमेल का, याहू का, आउटलुक का, बहुत सारे हैं। उसी तरीके से अगर आपको कंटेंट को भी अपलोड करना है तो एक सिस्टम होता है जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब बहुत बार उस कंटेंट को अपलोड करने के बाद आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। ये सारा काम आपको CMS अवेलेबल करवाता है और इससे भी ज्यादा इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपको अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना है। जिन लोगों को ये नहीं पता है ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग बेसिकली आप कुछ आर्टिकल्स को लिखते हो और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हो। मान लो आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करना है और आपको उस ब्लॉग को स्टार्ट करने का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती, तो एक बहुत ही पॉपुलर CMS है जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो आप सभी लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना हो, वर्डप्रेस एक CMS है जहां पे आप बिना कोडिंग किए एक वेबसाइट बना सकते हो और वहां पे अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, CMS अगर नहीं होता तो कितनी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक वेब डेवलपर हूं, मैं एक वेबसाइट बना सकता हूं, ठीक है। अब उस पर कॉन्टेंट कैसे अपलोड करना है वो भी डेवलपर को भी पता है, लेकिन मान लो कोई न्यूज वेबसाइट है, एग्जाम्पल के लिए dainikbhaskar.com है या फिर कोई और वेबसाइट है, अगर उन्हें अपना कंटेंट अपलोड करना है तो जो भी न्यूज लिखते हैं उन लोगों को डेवलपमेंट नहीं आता है, तो वो न्यूज अपलोड कैसे करेंगे। उसके लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो नॉन डेवलपर्स और नॉन कोडर्स भी यूज कर सके। तो CMS को यूज करके अगर कोई डेवलपर कोडर नहीं भी है, वो एक आम आदमी भी है, तो वो CMS का यूज करके अपना कंटेंट अपलोड कर सकता है, अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। और आपको लग रहा होगा कि ये उन्हीं लोगों के लिए काम की चीज है CMS, जो कि छोटे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, अपना सिस्टम नहीं बना सकते, अपनी वेबसाइट डेवलपर से नहीं बना सकते। बट आपको सुनकर हैरानी होगी कि ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो वर्डप्रेस CMS का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल डिज्नी, BBC और स्टार वॉर्स ब्लॉग, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़े ब्रांड्स है जो वर्डप्रेस CMS का यूज करती है। केवल वर्डप्रेस ही नहीं, और भी बहुत सारे CMS है, जैसे जुमला हो गया, ड्रुपल हो गया, मैजेंटो हो गया, इन सभी को यूज करके भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई जाती है और उनका कंटेंट मैनेज किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये CMS काम कैसे करता है। तो वैसे जितने भी CMS होते हैं, एग्जाम्पल के लिए वर्डप्रेस, ड्रुपल, जुमला, मैजेंटो, ये एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको वर्डप्रेस का जो CMS है वो दिखाना चाहता हूं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। नाउ ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आप 2-3 में वर्डप्रेस को चलाना सीख सकते हैं। अब आप ये HTML कोड को देखिए, एक वेबसाइट को इस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि एक यूजर इंटरफेस इजी होगा आपके लिए या फिर कोड लिखना इजी होगा। अब सारे फीचर्स और ऑप्शन को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट पेज बना सकते हो, कॉन्टेक्ट का पेज, ब्लॉग का पेज, अबाउट का पेज, और आप वहां पे ब्लॉग्स भी पोस्ट कर सकते हो, आप वहां पे पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हो, दूसरे वेबसाइट्स के लिंक्स ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वर्डप्रेस से एक डेडिकेटेड वेबसाइट क्रिएट करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक CMS को यूज करने के बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में स्कोप कितना है। तो गाइस, CMS की फील्ड में बहुत स्कोप है, और अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। अकेले वर्डप्रेस CMS ही पूरे इंटरनेट की 39% वेबसाइट्स को मैनेज करता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितने सारे डेवलपर्स होंगे
जो रिक्वायर्ड होंगे इन सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इन सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर लोग अपनी वेबसाइट को ये सीएमएस को यूज करके बना लेंगे तो हम डेवलपर्स की क्या जरूरत है। और ये क्वेश्चन जो है ये सेम वैसा क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एआई आ जाएगा तो क्या होगा, तो इसके जवाब से आपको एआई वाला जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है वो भी आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि ये सीएमएस जो आप लोगों को दिख रहा है, जो आप डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो बिना कोडिंग के, वो कौन क्रिएट करता है? वो डेवलपर्स लोग क्रिएट करते हैं और इस पर बहुत सारा काम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई कार ड्राइव करते हो, कार बन गई, तो आप बोलोगे सर तो फिर बस की ट्रेन की जरूरत ही क्या है, हम हमारी कार है। लेकिन उस कार को रिपेयर करने के लिए, उस कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस कार में फीचर्स ऐड करने के लिए आपको हमेशा एक मैकेनिक की जरूरत होती है। उसी तरीके से डेवलपर्स जो है वो कभी भी बाहर होने वाले नहीं है। और जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर आप कॉन्टेंट ऐड कर सकते हो, उसके अंदर आप इमेजेस, वीडियोस, सोशल लिंक्स और आपका टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, बट वेबसाइट की जो ओवरऑल थीम है ना वो बनी बनाई होती है। अब वो कौन बनाता है? वो डेवलपर्स लोग बनाते हैं। तो अपने वर्डप्रेस पे थीम्स का ही मार्केट बहुत बड़ा है, तो अगर आप डेवलपमेंट सीखते हैं तो आप थीम्स बना के ही बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सीएमएस में वर्डप्रेस इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इस पे बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं, और आप अगर चाहें तो हम एक पे इस पे एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइस अगर सीएमएस और वर्डप्रेस की बात करें तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है सीएमएस का और वर्डप्रेस का, और बहुत सारी चीजें यहां से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। Now guys, if you are looking to start your web development career, I am having a free training link आपको description में मिल जाएगा। Check that out and that's it for this video. I hope ये video आपको पसंद आया होगा। अगर video पसंद आया तो video को like करें। Channel पे अगर आप नए हैं तो channel को subscribe करें। और अगर आपका कोई भी question हो, make sure you ask that in the comment section. That's it for this video. Thank you so much for watching and I'm going to see you guys in next video. Bye bye.